नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुकार न्यूज में। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आज जिला डोडा ब्लॉक काश्तीगढ़ के गलाधार में टूरिज्म सेंटर से लोग आए हुए हैं। वो गलाधार में 3 दिन के लिए आए हैं। उन्होंने वहां पर टेंट लगाए हैं और वो अगले 3 दिन तक वहां रहकर गलाधार को चेक करेंगे ताकि वो गलाधार को एक टूरिज्म स्पॉट का दर्जा दे सके। वो वहां की फोटोज और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वो वहां ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं। गलाधार को चेक करके वो एक और टूरिज्म स्पॉट बनाना चाहते हैं। गलाधार बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ का सौंदर्य लोगों का मन मोह लेता है। तो आइए ज्यादा जानकारी के लिए नजर डालते हैं काशीगढ़ से हमारे संवाददाता रियाज अहमद की इस रिपोर्ट पर। मेरा नाम अक्षय। सर, ये जो टूरिस्ट के हवाले से आज इस वक्त जो गलाधार में है, बताइए सर, किस वजह से आप इस वक्त गलाधार की तरफ टूरिज्म कर रहे हैं? बेसिकली हम, ये एक बड़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, पॉपुलेशन कम है और हमारा जम्मू कश्मीर अभी सही तरीके से एक्सप्लोर हुआ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी वैलीज है जो लोगों को पता नहीं है। बेसिकली जो अपने लोकल्स हैं उन्हीं को पता है, बाहर से पब्लिक आती नहीं है। हिमाचल चले जाएगी, जो टूरिज्म ने ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है। बट अपना J&K, हम चाहते हैं कि हमारे J&K को हम एक्सप्लोर करें बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्लेस और ब्यूटीफुल प्लेस। कि अगर J&K को एक्सप्लोरिंग करने हैं आगे तो हिमाचल ज़ीरो हो जाएगा। सर, अगर देखा जाए तो कल कितने बजे आप जम्मू से निकले? हम जम्मू से निकले थे सर 1:30 बजे के करीब और हम रात को पहुँचे यहाँ पे 10:30 के करीब। हमारे भाईजान स्वर्ण भैया, उन्होंने काफ़ी हमारा अच्छे तरीके से स्वागत किया। हमने मित्रों को बोला, हमारी इन्होंने काफ़ी अच्छे से खातिरदारी की, अपने घरों में रखा, बढ़िया खाना खुना सब अरेंजमेंट। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। पब्लिक यहाँ की बड़ी गुड है। जितने भी लोकल्स हैं हमें सब मिले रास्ते में भी, सब ने हमें अच्छी गुड वाइब्स दी हैं, मतलब कि विशेज़ की हैं, पूछा है, अच्छा लगा उनको भी कि यहाँ पे कोई आया है। क्योंकि वो लोकल्स एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, एक दूसरे को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब यहाँ आउटपुट आएगा, बाहर से कोई पब्लिक आएगी, तभी इन जगहों की और वैल्यू बढ़ेगी। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा जम्मू कश्मीर बेटर टू बेटर हो। सर, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे गलाधार एक टूरिज्म ऐसा आना चाहिए? हम तो देखो, हम इसी वजह से यहाँ एक्सप्लोरिंग करने आए हैं कि गलाधार रेंज को हमने लाना है टूरिज्म के अंडर। क्योंकि जब हम इनकी कुछ वीडियोस बनाएंगे, हम यहाँ के कुछ फोटोज़ डालेंगे, ऑब्वियसली हमें भी कमेंट्स आएंगे कि यार ये कहाँ की प्लेस है, तो हम अपना बताएंगे कि हम इस जगह पे गए थे, ये लोकेशन यहाँ पे है। कोई आना चाहता है हमसे पूछे कहाँ से इसका वे है, कहाँ से इसका ट्रैक है, इसलिए हमने भी अपने फ़ोन पे सब रिकॉर्ड करके रखा है। कहाँ से वे कटेगा, कहाँ से आप ऊपर को आओगे, कहाँ से ट्रैक शुरू होगा, क्या क्या सामान चाहिए आपको यहाँ के लिए, ऊपर आने के लिए रहने का कैसा है ऊपर, सब एवरीथिंग जो भी हमारा रहेगा। सर, कितना दिन का टूर है अभी आपको यहाँ पे? हम 2 दिन यहाँ और स्टे करेंगे। किस तरह रह रहे हैं आप? हम अपना कैंप लेके आए हैं, बढ़िया तरीके से कैंपिंग करेंगे। हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारा कैंप पड़ा हुआ है, पीछे सब कुछ, अपना फोम, कंबल, ब्लैंकेट, जो भी है एवरीथिंग, राशन वगैरह सब कुछ। सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हम इंजॉय कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्लेस है। जो यहाँ से लोकल लड़के जो गाइड कर रहे हैं आपको, किस तरीके से गाइड? अरे बहुत अच्छे तरीके से, हमने सच में, उन्होंने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, और ये इवन कि इनकी बात नहीं है, यहाँ के जितने लोकल्स हैं सबने हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा। किस तरीके का मैसेज आप हमारे DDG कास्तीगढ़ जो सन्स हैं, उनके स्वर्णवीर जी हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे टूरिज्म के? मैं टूरिज्म के आगे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन प्लेसों को जल्दी से जल्दी, इन प्लेसेस को टूरिज्म के अंडर डाला जाए। और जैसे गवर्नमेंट को हर बंदा फॉलो करता है, अगर वो मैप में आपने इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं तो हर बंदा इस रेंज को देख सकता है कि हाँ अच्छा ये रेंज है, हम नॉर्मल पीपल है। अब जो आगे गवर्नमेंट करेगी या टूरिज्म वाले करेंगे, डिपार्टमेंट वाले, तो वो बेस्ट टू बेस्ट। सर, अगर बात करें तो किस किस्म की कमी आपको महसूस हो रही है यहाँ पे? जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी नहीं है पर थोड़ा अंडर प्रोसेस है, चल रहा है, टाइम लगता है, हिली एरिया है, एकदम से तो कुछ नहीं हो सकता है। और बेसिकली फिर वही बात आ जाती है कि ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही है। गवर्नमेंट चाहेगी तो 1 महीने में रोड बना देगी, गवर्नमेंट चाहेगी तो भैया 1 साल भी लग जाएगा। सपाट आपको किस कैसे लगा सर आपको यहाँ पे जो गलाधार? स्पॉट तो ऑब्वियस है भैया, स्पॉट तो बहुत ब्यूटीफुल है, तभी हम इतना चल के हम ऊपर जा रहे हैं, हमें तो और मज़ा आ रहा है, हम चाहते हैं कि हम थोड़ा और आगे करें। बट बेसिकली टाइमिंग का दिक्कत है हमारे पास। बाहर की जो जनता इस वक्त देख रही है आपको, तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं बाहर की जनता को बोलूँगा कि आए यहाँ पे, लोकल्स के साथ मिले, इंटरेक्ट करे, अच्छे तरीके से यहाँ का लोकल खाने का मज़ा ले। आप जैसे इनका रहना सहना, घर और सब जगह है, हर बंदा के पास एक अपनी सुख सुविधा है, बट ऐसा जो ये नेचुरल कल्चर है इसको अडॉप्ट करो, तुमको पता लगेगा कि नेचर है क्या, अर्थ है क्या बेसिकली। तो हम अर्थ के तभी हम कर सकते हैं ना बेसिकली, कि अगर हम घूमेंगे, देखेंगे, पता लगेगा, और हमसे पूछेंगे, वो भी विजिट करेंगे, इनसे मिलेंगे, ये उनको अच्छे से गाइडेंस देंगे, वैसे ही चलेगा बढ़िया तरीके से। थैंक यू सर। आपका नाम सर? सर, किस तरीके से हमारे टूरिज्म को आप देखेंगे, आप कहाँ से, और थोड़ा बता सकते हैं हमारे
जो आपको फॉलोअर्स भी देख रहे हैं और बहुत सारे जनता भी देख रहे हैं इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है, हवा खुली खुली लग रही है, शोर शराब से दूर है, थोड़ा तन्हाई, बड़ा थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब दिमाग में हवा जा रही है। यहाँ पे हवा जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो यहाँ कब से आप जो टूरिज्म ट्रैकिंग कर रहे हैं सर, कब से कर रहे हैं? अभी तो पिछले 5 सालों से हो रहा है, इनके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब कि मेरा इनके साथ विजिट पहली बार है। सर कहते हैं ना कि भद्रवाह एक ऐसी फेमस जगह है, सारा जो टूरिज्म है वो भद्रवाह में आ रहा है, क्या आपने यहाँ पे ऐसा ये नहीं देखा कि यहाँ पे भी एक फेमस जगह है, यहाँ पे भी कोई बाहर का टूरिज्म आ रहा है, किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यही चाहते हैं कि बाहर के जितने विजिट कर सके, जितना हो सके आओ, क्योंकि अच्छी जगह है काफ़ी।